हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 में पढ़ने वाले हैं टेलर थ्योरम और फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। एक वन वेरिएबल के लिए तो हमें थ्योरम पता है, वन वेरिएबल के लिए थ्योरम क्या होती है, एफ एक्स प्लस एच जो होता है वो होता है एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर एफ डबल डैश एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस एच क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स। ये जो फ्रेंड्स, ये जो थ्योरम होती है ये वन वेरिएबल के लिए होती है, बट सेकंड के लिए क्या क्या होगी, इसको किस तरह से हम निकाल सकते हैं ये हम देखेंगे इस वीडियो में। सपोज हमारे पास दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, देन एफ एक्स प्लस एच एंड वाई प्लस के। इस सीरीज का एक्सप्रेशन इस तरह से लिख सकते हैं, हम पहले सपोज कर लें कि जो वाई प्लस के है वो एज अ कॉन्स्टेंट है, तो वाई प्लस के जब कॉन्स्टेंट है तो उस कंडीशन में इसको लिख सकते हैं एफ एक्स और ये हो गया वाई प्लस के प्लस एच, यहां डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्योंकि वाई तो कॉन्स्टेंट है, तो ये हो गया डेल अपॉन डेल एक्स और ये हो गया हमारे पास एफ एक्स वाई प्लस के। उसके बाद थर्ड टर्म जो आएगी एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये हो गया एफ एक्स वाई प्लस के। और इससे अगली टर्म जो आएगी वो आ जाएगी हमारे पास डेल क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल और इससे पहले एच क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल एक्स क्यू और ये हो गया एफ एक्स वाई प्लस के प्लस। इस तरह से ये सीरीज को हम एक्सप्रेशन कर सकते हैं, तो वाई प्लस के को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट कर लिया, तो वाई प्लस के को मैंने एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट किया, तो वाई प्लस के यहाँ पर सेम रहा, सेम ही रहा है, सेम रहा है ये वाई प्लस के। अब हम कर रहे हैं एक्सपेंशन ऑफ इस टर्म का, यानी एफ एक्स वाई प्लस के का। जब एक्स एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करेगा तो एक्स एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करेगा तो इसका हम एक्सपेंशन लिख सकते हैं एफ एक्स वाई प्लस डेल अपॉन, सॉरी पहले कोई वेरिएबल जो कोई मल्टीप्लाई है, ये जो डिफरेंस है जैसे इसमें के है तो के के और ये हो गया हमारे पास एफ सॉरी डेल अपॉन डेल वाई और ये हो गया हमारे पास एफ एक्स वाई प्लस के स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल अपॉन डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल स्क्वायर वाई एफ एक्स वाई प्लस के क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल और ये हो गया डेल क्यू अपॉन डेल वाई क्यूब और एफ एक्स वाई। तो इसी तरह से ये टर्म हमारे पास चलती हो जाएगी फ्रेंड्स, ये हो गया हमारे पास जब ये तो एफ एक्स वाई प्लस के का और ये एफ एक्स प्लस एच एंड वाई प्लस के का। अब ये वैल्यू एफ एक्स वाई प्लस के की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, यहाँ पे पुट करनी है, यहाँ पे इस तरह सभी जगह पुट करनी है इसमें। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम तो हमारे पास ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के इक्वल टू, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ एक्स वाई प्लस के डेल अपॉन डेल वाई एफ एक्स वाई प्लस के स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर एफ एक्स वाई प्लस के क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यू अपॉन डेल वाई क्यू एफ एक्स वाई प्लस। इस तरह से टर्म चलती हो जाएंगी। अब फ्रेंड्स यहां पे तो ये हो गया, अब यहाँ पे पुट करनी है तो यहाँ पे पुट करेंगे तो पहले एच का एच एंड डेल अपॉन डेल एक्स बार और अंदर ये वाली टर्म तो ये वाली टर्म आएगी तो ये हो जाएगा एफ एक्स वाई प्लस के डेल अपॉन डेल वाई एफ एक्स वाई प्लस के स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर ये हो गया एफ एक्स वाई प्लस के क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यू अपॉन डेल वाई क्यू
एफ एक्स वाई प्लस, इस तरह से ये टर्म भी चलती हो जाएंगी। अब यहाँ पे ये टर्म के पास इस टर्म की वैल्यू पुट करनी है, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो एच स्क्वायर डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, ये हो गया ये वाली टर्म। अब हमें ये एफ एक्स वाई प्लस की वैल्यू पुट करनी है, जो कि ये सेम है एफ एक्स वाई प्लस के डेल अपॉन डेल वाई एफ एक्स वाई प्लस के स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर एफ एक्स वाई प्लस, इस तरह से ये भी टर्म चलती हुई जाएंगी फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि जो एफ एक्स वाई वाली टर्म है वो साथ में, फर्स्ट डेरिवेटिव वाली टर्म है वो एक साथ में, सेकंड डेरिवेटिव वाली टर्म है वो एक साथ में, इस तरह से सबको रीअरेंज करना है। तो इनको रीअरेंज करने के लिए हम इन लाइन्स को मिटा रहे हैं, तो फ्रेंड्स इनको रीअरेंज करना है। तो पहले ये हुआ एफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के, ये हो गया एफ एक्स वाई वाली टर्म सिर्फ एक बार है फ्रेंड्स, और कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाता है एक्स के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव आ जाता है एक्स का, तो एफ एक्स वाई एक बार है। उसके बाद अब फर्स्ट डेरिवेटिव देखे तो डेल अपॉन डेल वाई यहाँ पर है और कहीं पर भी, और इधर सेकंड डेरिवेटिव है, और अगर यहाँ पे हम लोग डेरिवेटिव करेंगे अंदर वाली टर्म का तो इससे करस्पॉन्डिंग एक मिलेगा, बाकी सर सेकंड या थर्ड डेरिवेटिव मिलेंगे उससे ऊपर वाले मिलेंगे, इसमें करेंगे और इसमें देखेंगे तो यहाँ पहले ही डेल एक्स स्क्वायर है, तो उससे सेकंड डेरिवेटिव से ऊपर वाली टर्म जा रही है, तो कोई मतलब ही नहीं है, इनको छोड़ दे रहे हैं हमें। तो प्लस ये हो गया हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव वाले के डेल अपॉन डेल वाई प्लस एच डेल अपॉन डेल एक्स एफ एक्स वाई को बाहर लिख दिया, ये हो गया हमारे पास। अब फ्रेंड्स सेकंड डेरिवेटिव वाली टर्म देखेंगे, सेकंड डेरिवेटिव वाली टर्म ये तो यहां मिल रही है हमें, तो यहां पे जो टर्म मिल रही है उसके बेसिस पे तो ये हो जाएगा के स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और अगर इसमें देखें तो इसमें सेकंड डेरिवेटिव यहां मिलेगा जब इस टर्म का डिफरेंशिएशन होगा, तो इस टर्म का डिफरेंशिएशन होगा तो हमारे पास एच के डेल स्क्वायर प्लस एच के डेल स्क्वायर, और ये हो जाएगा डेल एक्स डेल वाई प्लस, और जब इसमें मिलेगा जब ये टर्म डिफरेंशिएशन होगा इस टर्म का, तो इस टर्म का डिफरेंशिएशन होगा तो मिल जाएगा हमारे पास एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और इसके पूरे के बाहर एफ एक्स वाई। फ्रेंड्स इसी तरह अगर हम डेल क्यू वाली टर्म देखेंगे, डेल क्यू वाली टर्म जो जब हम अगली टर्म इससे अगली टर्म लिखेंगे जो इससे अगली वाली टर्म पर के एक्सप्रेशन के बाद मिलती, उसको अगर हम देखेंगे तो वो आएंगे हमारे पास एक्स क्यू अपॉन थ्री फैक्टोरियल डेल क्यू अपॉन डेल एक्स क्यूब, जो कि यहीं से मिल जाएगी हमारे पास इस टर्म से, इस वाली टर्म से, सॉरी इस टर्म से तो के क्यू वाली मिलेगी, तो इस वाली टर्म से मिलेगी के क्यू अपॉन थ्री फैक्टोरियल और डेल क्यू अपॉन डेल एक्स क्यूब, और इस टर्म में देखेंगे तो इस टर्म में यहां से मिलेगी हमारे पास जब इस टर्म का डिफरेंशिएशन होगा एंड डेल सॉरी एच के स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस एच के स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल और डेल स्क्वायर सो डेल अपॉन डेल एक्स, ये डेल क्यू तो हो गए डेल एक्स एंड डेल वाई स्क्वायर, ये इस टर्म मिल जाएगी। प्लस जब इस टर्म में करेंगे तो इस टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे इस टर्म का तब हमारे पास क्यू मिलेगा, तब वो मिल जाएगा हमारे पास एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल ये डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और एक साथ यहाँ पे वाई का भी हो रहा है तो डेल वाई और यहाँ पे डेल क्यू हो जाएगा ये, प्लस जो लास्ट टर्म मिलेगी जो अगली जो टर्म होगी इससे अगली टर्म जो लिखेंगे हम डेल एच क्यू अपॉन थ्री फैक्टोरियल वाली, तो एच क्यू अपॉन थ्री फैक्टोरियल डेल अपॉन डेल स्क्वायर और इसका डिफरेंशिएशन, तो हो जाएगा एच क्यू अपॉन थ्री फैक्टोरियल एफ सॉरी डेल क्यू अपॉन डेल एक्स क्यू
सो डेल वाई डेल एक्स क्यूब वाली टर्म मिल जाएगी, यहाँ पे थी वाई क्यूब वाली टर्म थी फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास, तो ये डेल एक्स क्यूब और इस तरह से ये टर्म मिल जाएगी हमें। अब ये टर्म इसके बाद हमारे पास फोर्थ टर्म फोर्थ वाली फिफ्थ वाली इस तरह से चलती जाएंगी, इसी तरह से फोर्थ वाली जहाँ पे डेल फोर हो उसके बाद प्लस फाइव वाली चलती हुई जाएंगी। तो अब हमें ये टर्म हमें मिल चुकी है, उसको सिंप्लीफाई करते हैं इन टर्म्स को। अब फ्रेंड्स इन टर्म्स को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाते हैं हमारे पास, ये तो एफ एक्स वाई फर्स्ट टर्म तो ये रहेगी एफ एक्स वाई प्लस सेकेंड टर्म हम ये रखेंगे के डेल अपॉन डेल वाई प्लस एच, इसको हम आगे पीछे कर लेते हैं एच डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई और ये हो गया एफ एक्स वाई। अब इस टर्म में देखें, इस टर्म में अगर हम एलसीएम ले लें टू फैक्टोरियल को एलसीएम लेके बाहर निकाल दें वन अपॉन टू फैक्टोरियल बाहर, तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा के स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर। और टू फैक्टोरियल कॉमन आया तो टू फैक्टोरियल को कॉमन लिया तो यहाँ पे टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा, डिवाइड वाला बाहर चला जाएगा, यहाँ पे टू फैक्टोरियल आएंगे टू प्लस टू एच के डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस, और यहाँ पे हमने एच फैक्टोरियल कॉमन लिया तो ये होगा एच स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर। अब फ्रेंड्स हम इस टर्म की बात करें थर्ड टर्म की, तो यहाँ पे हम वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल कॉमन ले लेते हैं, तो वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल कॉमन लिया तो ये आ गया हमारे पास के क्यू अपॉन सॉरी डेल क्यू अपॉन डेल वाई क्यू प्लस, यहाँ पे से थ्री फैक्टोरियल कॉमन लिया, थ्री फैक्टोरियल कॉमन लेने के लिए थ्री फैक्टोरियल ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा नीचे डिवाइड करना होगा, तो थ्री फैक्टोरियल ये तो कॉमन में चला जाएगा बट इन थ्री फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल रहा तो इसका हमारे पास थ्री इंटू टू इंटू वन और टू का हल जाएगा टू इंटू वन, तो उस कंडीशन में ओनली थ्री बच जाएगा यहाँ, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास थ्री के स्क्वायर अपॉन सॉरी प्लस थ्री के स्क्वायर डेल क्यू अपॉन डेल वाई क्यू डेल वाई स्क्वायर डेल एक्स प्लस। अगर हम इस टर्म की बात करें तो इस टर्म में भी इसी तरह से थ्री फैक्टोरियल कॉमन लेना होगा मतलब अपॉन थ्री फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा हमारे पास थ्री एच के स्क्वायर और ये हो जाएगा डेल क्यू डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास। अब लास्ट टर्म में सिर्फ हमें कॉमन लेना है तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर सॉरी एच क्यू अपॉन थ्री फैक्टोरियल कॉमन हो गया डेल डेल एक्स क्यू और ये कोष्टक बंद एफ एक्स वाई प्लस, इसी तरह से बाकी टर्म भी चलती हो जाएंगी। अब फ्रेंड्स ये आ गया हमारे पास, अब इस टर्म को और इजीली किस तरह से लिख सकते हैं अगर हम देखें, तो फ्रेंड्स ये दो टर्म तो यहीं पे रहेंगी, ये दो टर्म तो हम क्वेश्चन नहीं करें, लेकिन इस टर्म को अगर देखें तो इस टर्म में ये टर्म है हमारे पास वन अपॉन टू फैक्टोरियल बाहर एच डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर ये वाली टर्म और एफ एक्स वाई, क्योंकि ये वाली टर्म यहाँ से और यह वाली टर्म का अगर इसका इस पर करेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी, इसी तरह प्लस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल एच डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई का क्यूब एफ एक्स वाई, तो इस तरह से ये और बाकी टर्म की अगर लिखना चाहे तो इस तरह से लिखी हुई जाएंगी। तो फ्रेंड्स ये जो सीरीज आई है हमारे पास ये सीरीज होती है टेलर थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, यानी टू वेरिएबल की कंडीशन में जब हम फंक्शन थ्योरम का जो फंक्शन सीरीज जो लिखते हैं टेलर सीरीज जो लिखते हैं वो इस तरह से लिखते हैं अगर टू वेरिएबल का फंक्शन हो तो उस केस में।
अब फिर से हम इसे एक एग्जांपल लेते हैं कि किस तरह से इसके क्वेश्चन सोल्व किए जा सकते हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन हम लेते हैं, एक्सपेंड करना है हमें e टू दी पावर x sin y, e टू दी पावर x sin y इन नेबरहुड ऑफ जीरो जीरो, यानी जीरो जीरो के नेबरहुड में इसको हमें एक्सपेंड करना है। तो इसको एक्सपेंड करने के लिए हमारे पास इतनी क्या चाहिए, हमारे पास इसके सारे इनके फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव या थर्ड डेरिवेटिव इस तरह से हमें चाहिए होंगे इसमें। तो ये हो गया हमारे पास एफ एक्स वाई बराबर है ई टू दी पावर एक्स साइन वाई। बट अगर किसी वेव पॉइंट पे हमारे पास पूछ जाएगी तो किस बात किस पे पूछेगा इसको, एफ जीरो जीरो, तो एफ जीरो जीरो पे इसकी वैल्यू है ई की पावर एक्स इसकी वन हो जाएगी, साइन वाई जीरो हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू जीरो। उसके बाद एफ एक्स एक्स वाई, तो ये हो जाएगी वैल्यू हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ई की पावर एक्स साइन वाई, तो ये भी हमारे पास एफ एट जीरो जीरो पे जीरो। इसी तरह से अगर हम देखें तो एफ वाई एक्स वाई ई टू दी पावर एक्स, ये साइन वाई की जगह कॉस वाई हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करके विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो इस टाइम का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास ई टू दी पावर एक्स तो वन हो जाएगा, कॉस जीरो भी वन हो जाएगा, यानी एफ यहाँ पे लिख लेते हैं, ये जीरो था, ये एक्स एफ वाई जीरो जीरो बराबर वन। इसी तरह से अगर हम जब देखेंगे हम एफ एक्स वाई बराबर है, इसका इसका हमें वाई करस्पॉन्डिंग करना है, तो ये हो जाएगा e की पावर एक्स कोस वाई, तो ये भी एफ एक्स वाई एट जीरो जीरो पे वन है। अब एफ एक्स एक्स एट एक्स वाई देखेंगे, तो इसका हमें सेकंड डेरिवेटिव करना होगा, तो e की पावर एक्स साइन वाई, तो ये हमारे पास एफ एक्स एक्स जीरो जीरो पे ये जीरो है। इसी तरह से हम देखें तो एफ वाई वाई एक्स वाई बराबर, अगर इसका हमें इसका इस टर्म का हमें करना है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो e की पावर एक्स और कोस वाई का माइनस साइन वाई हो जाएगा। बट एफ वाई वाई एट जीरो जीरो पे ये दोनों वैल्यू, ये तो वन हो जाती है, ये जीरो हो जाती है, तो ये वैल्यू भी जीरो है। इसी तरह हम थर्ड डेरिवेटिव के लिए निकाल सकते हैं। अब फ्रेंड्स हमारे पास जो टेलर थ्योरी सीरीज है उसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है, ये होता है हमारे पास एफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के बराबर, हमने भी पढ़ा था, होता है एफ एक्स वाई प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल डेल अपॉन डेल एक्स एच प्लस के डेल अपॉन डेल वाई एफ एक्स वाई प्लस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल डेल अपॉन डेल एक्स एच प्लस के डेल अपॉन डेल वाई क्यू और एफ एक्स वाई। ये इस तरह से टर्म चलती हुई जाएंगी हमारे पास। इसको अगर हम ओपन करना चाहें तो ये ओपन हो जाएगा एफ एक्स वाई प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल एच डेल अपॉन डेल एक्स एफ एक्स वाई प्लस के अपॉन टू फैक्टोरियल, फिर यहां पे टू फैक्टोरियल नहीं था, यहां पे जब स्क्वायर था तब टू फैक्टोरियल था, तो आगे वाली टर्म जो आई वो क्यू वाली आई उसके साथ थ्री फैक्टोरियल आता, तो ये टू फैक्टोरियल नहीं था, ये नहीं था, एच डेल अपॉन डेल एक्स ये हो गया के डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस ये लास्ट वाली टर्म को ओपन किया, लास्ट वाली टर्म को ओपन किया तो हमारे पास आ जाएगा वन अपॉन टू फैक्टोरियल एच स्क्वायर डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एफ एक्स वाई प्लस, यहां पर लिख देता हूँ बाकी टर्म्स, यहां पर लिख देता हूं प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल
टू डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डेल वाई और ये हो जाएगा एफ एक्स वाई प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर एफ एक्स वाई और इस तरह से ये वाली टर्म का ये ओपन हो गया, बाकी टर्म का भी हम ओपन कर सकते हैं। अब हमें वैल्यू चाहिए जीरो जीरो पे, तो जीरो जीरो पे अगर वैल्यू हम पुट करें तो ये एफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के, अगर ये वैल्यू पुट करें तो एफ जीरो जीरो की वैल्यू फ्रेंड्स हमारे पास जीरो है और एच एफ एक्स ये डेल एक्स यानी ये वाली टर्म तो ये की वैल्यू जीरो है, के डेल वाई वाली टर्म वन है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा k और डेल वाई ये वन है, ये हो जाएगा ये हो गया हमारे पास यहां से। फिर यहां से हम करेंगे तो यहां वाली टर्म के लिए ये एक्सपेंशन चाहिए हमें, तो एच स्क्वायर एच डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये वाली टर्म जीरो है, डबल वाई वाली जीरो है, एक्स वाई वाली ओनली वन है, तो एक्स वाई वाली वन है तो यहां से इस वाली टर्म से ये टू से टू फैक्टोरियल कट जाएगा, ओनली वन बच जाएगा और यहाँ पे एच के का मल्टीप्लाई भी है तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस एच के और यहां से एच प्लस एच के हो गया प्लस इसी तरह से ये टर्म लिखती हुई लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो एक्सपेक्टेशन आया ये जो हमारे पास विस्तार आया ये है इसका विस्तार, बाकी